हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी, उसमें पहला पाठ प्रार्थना, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना का गान करेंगे। आँख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा दीन, इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं बापू का पूरा सपना। भारत के जन पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत देश में रहता हूँ। फिर से हम दोहराएंगे। आँख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत देश में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा दीन, इनका दुख अपना दुख मानो, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य का गान किया। अब हम काव्य की समझूती के बारे में जानेंगे। आँख खोलकर सुबह सुबह में मन में कहता हूँ कि हूँ सवारे आँख खोली अने मन में कहूँ छू, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। के हे भगवान, के तारो खूब ज भलाई, तारो खूब ज उपकार के हूँ भारत देश में रहू छू। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनू। मातृभूमि એટલે જન્મભૂમિ, કે મારો જન્મભૂમિ જો ભારત છે અને હું ભારતને યોગ્ય, યોગ્ય એટલે લાયક, કે હું ભારતને લાયક બનું। ઇનકા માતૃભૂમિ કી પ્રકૃતિ પુરુષ પશુ સબકો અપના સગા કીનું, કે માતૃભૂમિ કે જે મારી જન્મભૂમિ છે એની પ્રકૃતિ પુરુષ અને પશુ બધાને હું મારા સગા સંબંધી ગણું છું। ઇનકા દુઃખ અપના દુઃખ માન, કે તેનું જે દુઃખ છે એ હું મારો દુઃખ માનું છું। ઇનકે સુખ કો સુખ અપના, કે એને જે સુખ છે એ હું મારો સુખ સમજું છું। પ્રભુ એસા બલ દો કે કર સકું પૂરા બાપુ કા સપના, કે હે ભગવાન તું મને એટલું બળ, બળ એટલે તાકાત, કે તું મને એટલી તાકાત આપ કે હું બાપુ કે ગાંધી બાપુ નું જે સપનું છે એ હું પૂરું કરી શકું। ભારત કે જલ પવન ઓન માટી મે પલતા હું, કે ભારત દેશ ની અંદર જળ એટલે પાણી, પવન એટલે વાયુ, ઓન એટલે અનાજ, કે એ દેશ ની અંદર હું વસું છું। પ્રભુ તેરા ઉપકાર કી મે ભારત મે રહેતા હું, કે હે ભગવાન કે તારો ખૂબ જ ઉપકાર, તારી ખૂબ જ ભલાઈ કે હું ભારત દેશ માં વસું છું। અબ ઇનકે કુછ શબ્દાર્થ દેખતે હૈ। સબસે પહેલા ઉપકાર એટલે ભલાઈ, માતૃભૂમિ એટલે જન્મભૂમિ, યોગ્ય એટલે લાયક, પવન એટલે વાયુ,
अन्न એટલે અનાજ, ફળ એટલે તાકાત। विद्यार्थी मित्रों, हमने कार्यों को समझा, हम फिर से देखते हैं। आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ कि हूँ आंख खोली अने सवारे मन में कहूँ छू प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ कि हे भगवान तारे खूब उपकार कि हूँ भारत में रहूँ छू। मेरी मातृभूमि है भारत, में भारत के योग्य बनूँ कि मारी जन्मभूमि भारत छे अने हूँ भारत ने लायक बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको मैं अपना दिनू के मातृभूमि जन्मभूमि छे एनी अंदर प्रकृति पुरुष लोको अने पशु ए बधा ने हूँ मारा सगा मानू छु। इनका दुख अपना दुख मानू, इनके सुख को अपना सुख के एना दुख ने हूँ मारो दुख मानू छु अने एना सुख ने हूँ मारो सुख मानू छु। प्रभु ऐसा बल दो कि मैं कर सकूं बारू बापू का सपना कि हे भगवान तू मने एटलू बल आप ताकत आप कि हूँ बापू नु सपनु छे ये पूरू करी सकूं। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत देश में रहता हूँ के भारत नी अंदर जल हवा अने अन्न ए माटी नी अंदर हूँ वसु छु। हे भगवान तारो खूब उपकार के हूँ भारत मा वसु छु। कार्य के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला, कविता में कवि किसका उपकार मानता है? कविता में कवि प्रभु का उपकार मानता है। कविता में कवि प्रभु का उपकार मानता है। दूसरा, काव्यों में किस देश का उल्लेख किया गया है? काव्यों में भारत देश का उल्लेख किया गया है। काव्यों में भारत देश का उल्लेख किया गया है। तीसरा, कवि किसके योग्य बनना चाहता है? कवि भारत देश के योग्य बनना चाहता है। कवि भारत देश के योग्य बनना चाहता है। कवि किसके सपनों को पूरा करना चाहता है? कवि बापू के सपने को पूरा करना चाहता है। कवि बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। अब हम समानार्थी शब्द देखते हैं। पहला, आंखों। आंख यानी नयन। दूसरा, प्रभु। प्रभु यानी ईश्वर।
पवन, पवन यानी वायु। प्रातः, प्रातः यानी सुबह। जल यानी पानी। अब विरोधी शब्द को देखते हैं। अपना यानी उसका विरोधी हुआ पराया। सुख यानी दुख। सुबह यानी शाम। योग्य यानी अयोग्य। कविता में कवि किसका उपकार मानता है? कविता नी अंदर कवि छे कोनो आभार कोनो उपकार माने छे? कविता में कवि प्रभु का उपकार मानता है। कविता नी अंदर कवि छे ये प्रभु यानी भगवान नो उपकार माने छे। काव्य में किस देश का उल्लेख किया गया है? काव्य नी अंदर कया देश नो उल्लेख करवामा आव्यो छे? काव्य में भारत देश का उल्लेख किया गया है। काव्य मा भारत देश नो उल्लेख करवामा आव्यो छे। कवि किसके योग्य बनना चाहता है? कवि केना योग्य એટલે કે કેને લાયક બનવા માંગે છે? કવિ ભારત દેશ કે યોગ્ય બનના ચાહતા હે કે કવિ છે કે ભારત દેશ ને લાયક બનવા ઈચ્છે છે? કવિ કિસકે સપનો કો પૂરા કરના ચાહતા હે? કવિ છે કે કોનો સપનો પૂરો કરવા માંગે છે? કવિ બાપુ કે સપનો કો પૂરા કરના ચાહતા હે? કવિ છે એ ગાંધી બાપુ નું જે સપનું છે એ પૂરું કરવા માંગે છે। સમાનાર્થી શબ્દ આંખ યાની નયન, પ્રભુ યાની ઈશ્વર, પવન યાની વાયુ, પ્રાતઃ યાની સુબહ, જલ યાની પાણી। વિરોધી શબ્દ अपना, पराया, सुख, दुख, सुबह, शाम, योग्य, अयोग्य। विद्यार्थी मित्रों, आपको कविता का गान, कविता की समझूती और इनके प्रश्न, समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही दूसरा पाठ लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।